वर्ड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति की शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, सेंड रीडिंग से चेक करती हूँ कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में और आपके पर्सन के की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं वो चेक करती हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये करूं या वो करूं, बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। आप लोगों के माइंड में इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मुझे यहाँ एक इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो रेकी हीलिंग या तो सीखना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग करते हैं, जिनके माइंड में रेकी हीलिंग के थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ सिंबल इस टाइप के यहाँ फील हो रहे हैं जिससे आप लोग मुझे रेकी हीलिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप रेकी हीलिंग सीखें, तो आप ज़रूर कीजिएगा, आप ज़रूर सीखिएगा, आप इस वर्क में कामयाब होंगे, आप हीलिंग में कामयाब होंगे, तो आप कर सकते हैं इसको। और अगर आपके माइंड में ये थॉट चल रहा है कि आप अपने पर्सन को हील करें, तो बिल्कुल आप अपने पर्सन को हील कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है कि आप अपने पर्सन को हील करें, लेकिन आप अपने पर्सन को तभी हील कर सकते हैं जब आप खुद हील हैं। तो और आपके मन में रेकी के थॉट चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हील तो हैं ही, आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव तो है ही, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप ये सब सोचते सोचते प्लान करते करते एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो आप सोच लेते हैं कि चलो छोड़ो, नहीं हो पा रहा, ये मुझसे नहीं होगा, ये कैसे होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, आप अगर डिवाइन जर्नी में आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं सोचना है कि हम कुछ करते हैं ही नहीं, हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं, करता तो ऊपर वाला है, उसने बनाया है, वो सब करता है, हम तो सिर्फ दृष्टा है, हम सिर्फ देख रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ पर होगा नहीं, कैसे होगा। तो कैसे आप ना सोचेंगे, कैसे का जवाब आपको इसलिए नहीं ढूंढना है क्योंकि कैसे का आंसर ईश्वर के पास होता है, ईश्वर प्लान करते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कैसे होगा, कौन सा काम होगा या नहीं होगा। आपके मन में ये थॉट आते हैं, आपके मन में अगर हीलिंग के थॉट आ रहे हैं, खुद को हील करना, अपने पर्सन को हील करना और दूसरों को हील करना, रेकी हीलिंग अगर आपके थॉट आ रहे हैं, तो ये आपका थॉट नहीं है, ये थॉट आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये थॉट दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो। और कहीं ना कहीं आपका ये ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, तो कैसे आपको नहीं सोचना है, जो थॉट ईश्वर ने दिया है उसको पता है कि मुझे कैसे कराना है, तो बस आप उस पर आगे बढ़िए। आप ईश्वर से ही प्रे कीजिए, उनसे ही गाइडेंस मांगिए, उनसे ये कहिए कि हे ईश्वर, आप मुझे ये थॉट दे रहे हैं तो मैं किस दिशा में पहले बढ़ूँ, मैं पहले क्या करूँ, फर्स्ट स्टेप तो मुझे बताइए। आप उनसे गाइडेंस लीजिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी तरीके की हीलिंग की ओर जाना चाहते हैं या फिर आपको हीलिंग की नीड है। अगर आपको हीलिंग की नीड है तो और फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप सेशन नहीं ले सकते, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हीलिंग सिर्फ ईश्वर के पास बैठने से आती है। आप ईश्वर का नाम जप करते हुए उनकी याद करें कुछ वक्त, चाहे अगर आपको मिल जाता है दिन में इतना वक्त, किसी भी टाइम 24 घंटे में किसी भी टाइम ऐसा मिल जाता है कि आप शांत होकर बैठ सके, तो बस ईश्वर को याद करें, उनसे ये कहें कि मुझे हील कीजिए, मेरी हीलिंग कीजिए, हे ईश्वर मेरी हीलिंग कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई हीलर नहीं है ना। तो आप उससे डायरेक्ट हीलिंग मांगिए। आप अगर डिवाइन जर्नी में हैं तो आप डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में हैं, तो आप उससे हीलिंग मांगिए। वो ईश्वर वो सबको हील करता है, तो आपको भी हील करेगा, और आपके माइंड में हीलिंग के थॉट चल रहे हैं तो ज़रूर आप हीलिंग मांगिए। पहले आप अपने लिए हीलिंग मांगिए और फिर दुनिया के लिए हीलिंग मांगिए। और आप अगर ये डेस्टाइन है, आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये डेस्टाइन है, आपको हीलिंग की ओर जाना है, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए हीलिंग मांगिए, आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बार बार मुझे इसी तरीके के सिंबल मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, बार बार मुझे रेकी जैसे सिंबल बनते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका थॉट स्ट्रॉन्ग, आपका ये आपकी बहुत गहराई में इच्छा बसी हुई है कि मैं लोगों को हील करूं। तो पहले आप खुद को हील कीजिए। और ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव से या तो गुजरे हैं या नियर फ्यूचर आप गुजरने वाले हैं। आपको लगता होगा कि अभी अब सब कुछ अच्छा हो गया, फिर अचानक ऐसा लगता होगा कि सब खत्म हो गया। तो यहाँ मैं इतना ही कहूँगी कि उतार चढ़ाव ये ज़िंदगी के पार्ट हैं, ये आते रहते हैं ज़िंदगी में,
कभी उतरना है कभी चढ़ना है, आप किसी रास्ते पे जा रहे हो उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो वही ये जीवन यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। वक्त अच्छा आता है तो बुरा भी आता है, सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दिन रात यानी 24 घंटे में दिन रात होते हैं, तो कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, इसी तभी वो दिन खूबसूरत लगता है कि हमें हमें पता होता है कि इस टाइम में हमने काम कर लिया, हमें इस टाइम में ये करना है, अब रात मिली है सुकून से सोने के लिए। तो अब आप ये मत कहिए ना कहिएगा कि मैम बहुत लोगों को तो सुकून की नींद नहीं आती, तो ये उनकी डेस्टिनी है, ये उनके प्रारब्ध हैं, ये उनका उनका वर्क प्रोसेस है, उन्होंने अपने वर्क अपने अपने ब्रेन पे कैसा वर्क किया है, तो आप ये मत सोचिएगा। लेकिन रात जो मिलती है वो सुकून से सोने के लिए ही मिलती है, वो ईश्वर ने इसीलिए बनाई है कि तुम थक जाते हो सारा दिन काम करके, तो आप सुकून से आराम करो और अपने आप को हील करो। ये रात अपने आप में एक हीलिंग है, ये अंधेरा अपने आप में हीलिंग है। ये अंधेरा माना कि निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और निगेटिविटी पावरफुल होती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो अंधेरे का भी बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर सोल अंधेरे में नहीं जाग रही होती है, लेकिन जो डिवाइन सोल होती है वो उस अंधेरे में भी जाग रही होती है, उसे अंधेरे के भी बेनिफिट्स पता होते हैं कि यही वो अंधेरा है जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उसे पता है कि इस अंधेरे में भी मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो निगेटिविटी मेरा बिगाड़ क्या लेगी। तो वो मुझे कहीं यहाँ फील हो रहा है कि आप इस एनर्जी में या तो हैं या बहुत जल्दी आने वाले हैं, और अगर आप अभी नहीं हैं तो आप इस एनर्जी में आइए कि आप किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन से मत डरिए, सारे कन्फ्यूजन यूनिवर्स हील करेंगे। और मुझे यहाँ एक साइन मुझे इनिशियल मुझे ए बना हुआ फील हो रहा है, तो जिनका इनिशियल ए है उनके उनसे ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। और ए के साथ में मुझे और भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी किसी आप में से कोई व्यूअर ऐसे होंगे जो जो होम डेकर का काम करना चाहते होंगे, होम डेकर इसी को वो अपना बिजनेस बनाना चाहते होंगे, या जो बिल्डिंग बनाते हैं जो इनको मेसन बोलते हैं, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, वो मुझे किसी तरीके से एनर्जी आई है। आप लोग उस कुछ व्यूअर उस जॉब में भी जाना चाहते हैं, उस बिजनेस में भी जाना चाहते हैं, तो बिल्डिंग से रिलेटेड या किसी तरीके की ड्राइंग से रिलेटेड, किसी आर्ट से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, उस काम से आपकी लाइफ में इनफाइनाइट प्रॉस्पेरिटी आएगी, यानी अनलिमिटेड आपकी लाइफ में नेम एंड फेम एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपके आपके हाथों में वो हुनर है, आप किसी भी चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, आप पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। होते हैं कुछ किसी किसी में ऐसी स्किल होती है कि घर की पुरानी पुरानी चीज़ें ढूंढ ली और उनसे बहुत सुंदर सा कोई बुके बना दिया, तो वो स्किल मुझे आप में दिख रही है। या तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ओर जाना चाहते हैं, अगर आपके मन माइंड में ऐसा थॉट है और आप कैपेबल हैं तो आप इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप जिस लेवल का वर्क कर सकते हैं आप उस एरिया में जाएं, आप कामयाब होंगे। और जिनको किसी और तरीके की आर्ट आती है, किसी और तरीके की स्किल आती है, पेंटिंग आती है, या आप आर्ट स्किल से आप अपनी एनर्जी देख लीजिएगा कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं। स्किल में बहुत सारी स्किल्स आती हैं, अगर मैं आर्ट भी बोल दूँ, अगर मैं ड्राइंग भी बोल दूँ, तो ये भी बहुत तरीके की होती है, तो आप किस तरीके का करना चाहते हैं। ओवरऑल यहाँ एनर्जी स्किल की है, आप अपनी स्किल पर वर्क कीजिए, आपकी जो भी स्किल है, आप में जो भी हुनर है, आप उस हुनर पर काम कीजिए। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप भले ही बिल्डिंग मटेरियल, जैसा मुझे यहाँ फील हुआ कि बिल्डिंग मटेरियल का मीनिंग है कि किसी एक घर बना के देना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। नॉर्मली कोई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग घर का नहीं बना पाते हैं कि कैसे कहाँ डेकोरेशन होनी, क्या होना, कैसे कंस्ट्रक्शन होना, ये नहीं कर पाते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है, तो आप इस एरिया में भी जा सकते हैं। किसी भी तरीके की आप अपने आप को ढूंढिए, अपने आप में तलाश कीजिए कि आप में स्किल क्या है, आप में जो भी स्किल है, जो आप सबसे ज़्यादा जिसमें आपका रुझान सबसे ज़्यादा है, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, आप उस पे आगे बढ़िए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वही एक ऐसा होगा जिससे आपको आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड नेम एंड फेम आएगा। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप में से कुछ भी और ऐसे हैं जो अपना सोल पर्पज़ ढूंढ रहे हैं, तभी यहाँ आज की रीडिंग में स्टार्टिंग से ही मुझे टास्क की एनर्जी आने लगी कि किसी के लिए बिल्डिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, किसी के लिए स्किल से रिलेटेड, मुझे ऐसी एनर्जी और रेकी हीलिंग से रिलेटेड। तो मुझे कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ भी और हैं जो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इसमें सोल पर्पज़ मिलता है, और सोल पर्पज़ मिलता तो सभी को है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में उस जब तक अवेकन नहीं हो जाते तब तक वो काम नहीं मिलता जिस काम को करने के लिए धरती पे आते हैं। तो आपके लिए आप अपने सोल पर्पज़ को ढूंढ रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके माइंड में एक थॉट चलता है कि मेरा सोल पर्पज़ क्या है। तो डियर, अगर आप सोल पर्पज़ ढूंढ रहे हैं तो सब आप सिर्फ उस पर काम कीजिए जो आपकी हॉबीज, जिस हॉबी में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वही आपका सोल पर्पज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि
हम इंटरेस्ट एक ऐसा होता है कि इंटरेस्ट कहीं और हम करते कुछ हैं। तो मैं यहाँ एग्जांपल अपना दे रही हूँ कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा मिस्टीरियस चीज़ों में रहा है, मिस्टीरियस चीज़ों में हमेशा डीएफ का इंटरेस्ट रहता है। मेरा इंटरेस्ट नंबरोलॉजी और हॉरोस्कोप देखने वगैरह में रहा है हमेशा, लेकिन लेकिन कभी टैरो का मैंने नाम नहीं सुना था। और मेरी अवेकनिंग के बाद मुझे गाइड किया गया कि टैरो रीडिंग करो। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जैसे यहाँ बोल रही हूँ कि आपका जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरा इंटरेस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा था, मेरा इंटरेस्ट नंबरोलॉजी और हॉरोस्कोप में था, लेकिन मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ टैरो रीडिंग। लेकिन यहाँ एक बात कॉमन है कि इंटरेस्ट किस में था, मिस्टीरियस चीज़ों में, प्रोडिक्शन में था। तो काम तो वही है लेकिन एक दूसरे तरीके का है। तो ये आपको समझना है कि आपकी जिसमें हॉबी होगी, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम जो हॉबी हो, सेम आपका सोल पर्पज हो, उस हॉबी से मिलता जुलता वर्क भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपकी जो हॉबी, आप उस पर तो वर्क शुरू कीजिए। जिस हॉबी में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उस हॉबी पर वर्क शुरू कीजिए। मुझे फिर से यहाँ पेंटिंग की एनर्जी फील हो रही है, कोई व्यूअर पेंटिंग करना चाहते हैं, मुझे ये रीडिंग आपके सोल पर्पज़ की ओर जाती हुई दिख रही है। आप व्यूअर अपने सोल पर्पज़ के लिए परेशान हैं, सोल पर्पज़ के बारे में सोच रहे हैं कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो यहाँ मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपको 369 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, 369 दिख रहा है, 639 दिख रहा है, 963 दिख रहा है, ओवरऑल ये 3 डिजिट आपको दिख रहे हैं एक साथ, तो आप सोल पर्पस के बहुत करीब है, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। इसके लिए आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ये ना सोचे कि हे ईश्वर सोल पर्पस नहीं मिल रहा, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। सोल पर्पस पे आपको कंसंट्रेशन अपना नहीं बैठाना है, आपको अपना कंसंट्रेशन सिर्फ डिवाइन कि याद में उनके नाम जप में रखना है, यानी डिवोशन पर रखना है। अपना कंसंट्रेशन आप डिवोशन पर रखिए, यूनिवर्स आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको, कि आपको क्या करना है, किस पर्पस से आप धरती पे आए हो, यूनिवर्स खुद गाइड करेंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप प्रे कर सकते हैं, आप प्रे कर दीजिए कि ईश्वर जो भी मेरा सोल पर्पस हो कृपया मुझे बताइए। तो ये नंबर अगर आपको देख रहे हैं, ये एंजेलिक नंबर आपके सामने बार बार आ रहे हैं, तो आप सोल पर्पस के करीब हैं, आपको ज़रूर सोल पर्पस मिलेगा। और सोल पर्पस आपको ड्रीम में बताया जा सकता है, ड्रीम में भी बताया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सडनली उस काम को करना शुरू कर दें। आपने बहुत दिनों से, सपोज आप, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी मुझे एनर्जी फील नहीं हुई है, मुझे एग्जांपल यही आया, इंट्यूशन इसी एग्जांपल का आया, तो मैं कह रही हूँ कि सपोज आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत पहले बजाते रहे हैं, बहुत पहले आपकी हॉबी रही है, लेकिन फिर आपने उसको छोड़ दिया, शेड्यूल चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे बिजी हुए हों, चाहे आपका इंटरेस्ट तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आप फिर अपनी हॉबी पे वर्क नहीं कर पाए, तो आपने छोड़ दिया हो, और हो सकता है अचानक आपके मन में आ जाए कि लाओ आज चलो मैं अपना वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालती हूँ, चलो उस पर उसको प्ले करके देखता हूँ या देखती हूँ। तो वो जो आप सडनली कोई काम कर दें, ऐसा भी हो सकता है आपने कोई सडनली काम करना शुरू कर दिया, तो वो भी आपका सोल पर्पज होगा, वही आपका सोल पर्पज होगा, उसमें आगे जाएंगे, और आपको ड्रीम में भी गाइडेंस मिल सकता है। मुझे मेरे सोल पर्पज के लिए ड्रीम में गाइडेंस मिलेगा। तो बहुत दिनों से, मुझे लगभग 1-2 महीने से ये इंट्यूशन आ रहा था कि मैं सोल पर्पज पर वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करूँ कि कैसे सोल पर्पज मिलता है। तो वो आ रहा था थॉट और जा रहा था, मैं उस पर वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन आज की रीडिंग सोल पर्पज की ओर जाती हुई दिखी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ईश्वर कह रहे थे कि तुम इतने दिनों से सोच रही थी और मैं तुम्हें इंट्यूशन दे रहा था, तुम नहीं कर रही थी, चलो आज मैं रीडिंग सोल पर्पज पे ही देता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि मुझे ड्रीम में स्कूल्स के ड्रीम आने लगे थे। मुझे स्कूल के जब ड्रीम आते हैं तो वो यही होता है कि सोल पर्पज मिलने वाला होता है, तो मुझे स्कूल के ड्रीम आ रहे थे और बहुत बार आए और मैं नहीं नोटिस कर पा रही थी कि मेरा सोल पर्पज क्या है। मैं नोटिस इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये जो मेरा सोल पर्पज है, ये चैनल अपलोड करना, तो ये मैंने अवेकनिंग से पहले भी शुरू किया था और मैं उसमें कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि डीएफ अवेकनिंग से पहले कामयाब नहीं होती है, तो मैं कामयाब नहीं हुई थी। तो मुझे, मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि जो अवेकनिंग से पहले वर्क किए जाते हैं वो सोल पर्पज नहीं होते हैं, क्योंकि सारे जितने भी काम होते हैं जो जिन पे जो हमें नहीं करने होते हैं, जिस करने के लिए हम नहीं आते हैं, वो सब काम हम अवेकनिंग से पहले कर लेते हैं, और अवेकनिंग के बाद तो कोई नया काम मिलता है। तो मेरे माइंड में यही थॉट था, लेकिन मुझे बहुत सारे ड्रीम आए और मैं ये सोचने लगी थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे तो लोग इतना ज़्यादा जानते हैं, इतने नॉलेजेबल वीडियो बने हैं, भला मेरे वीडियो कौन देखेगा, ये मेरे मन में थॉट था। तो मुझे कहीं से कोई ऐसा नहीं समझ आ रहा था कि मेरा सोल पर्पज ये फिर से वीडियो अपलोड करना हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले चैनल शुरू करके चैनल मैंने ऑपरेट किया था और उसमें मैं फ्लॉप हुई थी, मैंने फिर वो छोड़ दिया था, तो मुझे लग रहा था ये तो मेरा सोल पर्पज नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बार बार गाइड किया जाता था, बार बार मुझे हर नाइट ड्रीम दिए जा रहे थे कि तुम ये करो, लेकिन नहीं समझ आ रहा था मुझे कि लास्ट यूनिवर्स नाराज़ भी होते हैं, मुझ पर नाराज़ हुए जब मुझे नहीं समझ आया, जब मैं नहीं समझी मेरा सोल पर्पज़ क्या है, तब यूनिवर्स मुझ पर नाराज़ हुए और उस दिन वो ड्रीम आया। मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उस दिन मुझे ड्रीम आया कि मैं स्कूल में गई हूँ और वो वही स्कूल था जिसकी मैं प्रिंसिपल थी, तो मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं,
मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने गई हूँ, मैंने सबको ऑब्जर्व किया और अपना फ़ोन लिया मैं वापस आई। तो जैसे ही मैं वापस आई मुझे रास्ते में मेरे मैनेजमेंट की कॉल आई है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम आप निकल नहीं गया? तो मैंने बोला हाँ सर मैं निकल आई हूँ। तो मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिवली मुझसे बोले मैडम आप जल्दी वापस आइएगा, यहाँ कौन है जिससे आपकी एनर्जी मैच करती है। तो जब मैं जागी हूँ इस ड्रीम से मुझे मेरा सोल पर्पस समझ आया, क्योंकि मेरे मन में ये क्वेश्चन चल रहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी के इतने नॉलेजेबल वीडियो पड़े हुए हैं, इतने मेंटोर इतना सब कुछ गाइड करते हैं, भला मेरे वीडियोस कौन देखेगा। तो मुझसे ये कहा गया कि यहाँ कौन है जिससे तुम्हारी एनर्जी मैच कर रही है, क्योंकि मैं जब ड्रीम में मैंने देखा था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस जो टीचर्स ले रहे थे उनको मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैं टीचर्स को भी ऑब्जर्व कर रही थी। अब मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सोल पर्पस का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि सोल पर्पस कैसे कैसे ईश्वर बता देते हैं, किस किस तरीके से बता देते हैं। तो जब मुझे नहीं समझ आया तो मुझे वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस का मीनिंग ये हुआ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ, यानी मैं उनको ऑब्जर्व करके निकल आई हूँ। तो मुझे वापस बुलाया गया कि आप जल्दी वापस आइए। जल्दी वापस आने का मीनिंग ये था कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैं उसमें फ्लॉप हुई थी तो मैंने दोबारा उस पर काम नहीं करना था। तो मुझसे कहा गया था वापस आइए, वापस मीन्स उसी काम पर वापस आओ। और मैं ये सोच रही थी कि कौन मेरे वीडियोज़ देखेगा, मुझे कहाँ नॉलेज है, ये सब लोग तो इतने नॉलेजेबल हैं, मैं कैसे वीडियो अपलोड करूँ। तो मुझसे कहा गया था यहाँ कौन है जिससे तुम्हारी एनर्जी मैच करती है। जब ये मैंने डांट खाई थी तब मुझे समझ आया था कि अच्छा मेरा सोल पर्पज़ ये है। तो आप लोग सोल पर्पज़ के लिए परेशान ना हो, सोल पर्पज़ ईश्वर ने जो दे के भेजा है वो आपको समझा ही देंगे। मुझे बहुत ड्रीम आए थे स्कूल के लेके, मैं नहीं समझी थी, जब मैं नहीं समझी तब मुझे डांटा गया था। तो आपको डांट के भी समझाया जा सकता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो अपने सोल पर्पज़ के लिए। आपको आपका अगर आपको 369 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो सोल पर्पज आपके आपके बहुत पास है, और मुझे ये रीडिंग सोल पर्पज की ओर जाती हुई दिखी है। ज़रूर आप लोग सोल पर्पज के बारे में सोच रहे हैं, किसी का सोल पर्पज रेकी हीलिंग हो सकता है। अब मैं यहाँ फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिसके मन में रेकी हीलिंग के थॉट चल रहे हैं तो उसका सोल पर्पज रेकी हीलिंग हो ज़रूर है। और जिनके मन में बिल्डिंग मेटल कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम चल रहा है और बिल्डिंग से रिलेटेड अगर चल रहा है तो उनका सोल पर्पज वो है। और जिसके माइंड में किसी भी तरीके की स्किल है कि वो कोई चाहता है कि मैं अपनी स्किल पे वर्क करूं तो उनका सोल पर्पज उनकी स्किल ही है। अब और अभी मुझे एक और यहाँ ऐसा सिनेरियो बनते दिखा है जिससे मुझे एक और सोल पर्पज का इंट्यूशन आया। किसी का सोल पर्पज है स्पिरिचुअलिटी में लोगों को गाइड करना, यानी किसी मंदिर से रिलेटेड मुझे कोई थॉट आ रहा है कि किसी मंदिर से रिलेटेड किसी का कोई टास्क है। किसी व्यूअर का जो सोल पर्पज है वो मंदिर से रिलेटेड है, या तो मंदिर में रहना या कोई मंदिर बनाना या फिर लोगों को भक्ति की राह पे ले जाना, लोगों में भक्ति का प्रचार करना, कुछ इस तरीके का सोल पर्पज हो सकता है। सेकंड मुझे इंट्यूशन ये मुझे एनर्जी कम फील हो रही है लेकिन फील हो रही है। कुछ व्यूअर की ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि आपका सोल पर्पज वोटिंग से रिलेटेड हो। वोटिंग आप समझ सकते हैं कि आप अगर इस एरिया में हैं जहाँ पे रिवर्स हैं और वहाँ पे वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पज उससे रिलेटेड हो सकता है। या तो वोट कंस्ट्रक्शन यानी वोट प्रिपेयरिंग हो सकता है, या सेलिंग हो सकता है, या ये कोई और तरीके भी का भी सोल पर्पज हो सकता है। मुझे वोट से रिलेटेड भी फील हो रहा है, मुझे टेंपल से रिलेटेड भी फील हो रहा है। टेंपल में ये भी हो सकता है कि आप किसी भी रिलीजन से हों, आप किसी और रिलीजन में हों तो आपके अकॉर्डिंग गुरुद्वारा चर्च वगैरह जो कुछ भी होंगे वो उससे रिलेटेड हो सकता है। किसी व्यूअर का सोल पर्पज डिवोशन भी है, यानी आपको डिवोशन की राह पे लोगों को अपने डिवोशन की राह पे भी लाना है, ये भी है। और किसी का मैंने बता दिया कि वोट की ओर मुझे जाता हुआ सोल पर्पज आपका देखा है। तो यहाँ आज मुझे कई सोल पर्पस दिखाए गए हैं, कई सोल पर्पस आए हैं। मुझे फिलहाल यहाँ मुझे ऐसा कोई सोल पर्पस नहीं दिखा है जो वीडियो अपलोड करने का हो, फिलहाल मुझे नहीं दिखा है। लेकिन हाँ स्किल मुझे दिखी है, स्किल आपकी जो भी है वो आपका सोल पर्पस है। कुछ व्यूअर्स का आप में अगर कोई खास स्किल है, आपकी अगर पेंटिंग हॉबी है तो ज़रूर आपका सोल पर्पस है, आप उसे वर्क कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं ऐसा करने को, आप लोगों को ऐसा गाइडेंस भी मिल रहा है, आपको ड्रीम भी ऐसे आ रहे हैं लेकिन आप उसे वर्क शुरू नहीं कर पाए हैं, शायद आप समझ नहीं रहे। जैसे मैं नहीं समझी थी ना, मुझे जब डाटा गया तो मुझे समझ आया कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वीडियोज़ अपलोड करने हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों से कहा जा रहा है, आपको बहुत साइन दिए जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है कि ये सोल पर्पस है, इस पर काम करो, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उस राह पर चल नहीं रहे हैं। तो मुझसे आज ये रीडिंग ऐसी कराई गई, मुझे ये सोल पर्पज़ की रीडिंग दी गई है कि देखो इन लोगों को सोल पर्पज़ समझ नहीं आ रहा। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं आप लोगों को कहीं से ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को नॉलेज कम है, नहीं, आप लोगों में नॉलेज बहुत है, बहुत स्किल है आप में, लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी है, वो आपको ये गाइड करा रहे हैं
कि आज आज इन लोगों को सोल पर्पज बताओ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग कुछ तो सोल पर्पज ढूंढ रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं। तो यहाँ सोल पर्पज बताया गया, कुछ ऐसे हैं जिनको सोल पर्पज गाइड किया जा रहा है लेकिन वो गाइडेंस समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मेरा सोल पर्पज है। तो प्लीज अभी आप अपने ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनसे ये प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे सोल पर्पज समझा रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर आपको 369 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो ज़रूर ये प्रे अभी कर लीजिए कि हे ईश्वर, मुझे सोल पर्पज समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे किसी और तरीके से समझा दीजिए, जिस तरीके से मुझे समझ आ सके प्लीज़ मुझे आप समझा दीजिए। ऐसी प्रे कीजिए, बस आप अपने सोल पर्पज के लिए सिर्फ प्रे कीजिए, परेशान मत हो, ये ओवर वेट की एनर्जी में ना जाए कि मुझे सोल पर्पज नहीं मिल रहा। सोल पर्पज मिलता ही मिलता है और अवेकनिंग की 6-7 मंथ में सोल पर्पज मिल जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोल पर्पज बहुत ज़्यादा करीब है। मुझे यहाँ एक बर्ड बनी हुई दिखी है, बर्ड मीन्स सोल पर्पज की शुरुआत हो गई है, सोल पर्पज की शुरुआत हो गई है। आप उस पर या तो आपने लाइटली वर्क करना शुरू कर दिया, आपने वर्क शुरू कर दिया लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि ये आपका सोल पर्पज ही है, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो ये रीडिंग सोल पर्पज की ओर गई है, आपको कई सोल पर्पज बताए गए। आप लोग अपनी अपनी एनर्जी मैच कीजिए कि क्या है आपका सोल पर्पज। और आपके पर्सन के लिए भी अगर मैं यहाँ कहूँ तो जब आप अपने सोल पर्पज पे वर्क करेंगे तब वो अपने सोल पर्पज पे वर्क करेंगे। उनका जो पहला सोल पर्पज था वो आपकी अवेकनिंग थी, आपको उन्होंने अवेकन करा दिया, अब आपको अपने सोल पर्पज पे चलना है। वो हो सकता है कि उनका सोल पर्पज आपके सोल पर्पज में हेल्प करना हो, और या डिफरेंट सोल पर्पज भी हो सकता है। ओवरऑल उनका मेन पर्पज तो यही होता है कि आपकी अवेकनिंग कराना, तो वो उन्होंने करा दिए। तो अभी आप ये मत सोचिएगा, पता नहीं कि मुझे इंट्यूशन आया कि मैं आपके पर्सन के सोल पर्पज के बारे में भी बोलूँ, तो आप अपने सोल पर्पज अपने पर्सन के सोल पर्पज के बारे में अभी मत सोचिए। आप सिर्फ अपने सोल पर्पज पे फोकस रहिए। नहीं अभी मिला है तो परेशान ना हो, सोल पर्पज ईश्वर खुद समझा ही देंगे कि किस तरीके से तुम्हें क्या करना है, तो आप परेशान ना हो। अब मैं आप थोड़ा सा डेक से भी देख लेती हूँ, डेक से क्या एनर्जी है कि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ। मैंने डेक शफल कर लिया था। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, कार्ड कितना खूबसूरत आया है, ये कार्ड है द सेक्रेड ओम। ये यहाँ पे देखिए गार्लैंड बना हुआ है, इसका मीनिंग जानते हैं आप क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप जो जो मुझे वहाँ टेम्पल वगैरह जो दिखे थे उसमें ये विक्ट्री का साइन है। आपको सोल पर्पज मिलने वाला है और सोल पर्पज में कामयाब होंगे, सोल पर्पज पाने में आप कामयाब होने वाले हो और सोल पर्पज को ठीक से करने में आप कामयाब होने वाले हो। ये इसका मीनिंग है इस कार्ड का। तो और मैं एक और कार्ड लेती हूँ कि एक और कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है। ये कार्ड देखिए, ये है डिवाइन डिसेंट। देखिए इसमें अभी सैंड से निकल के आया था कि किसी किसी का सोल पर्पज डिवोशन है, कोई टेम्पल, कुछ कोई गिरजाघर, कोई जो कुछ भी है इस तरीके का सोल पर्पज है। तो इस ये कार्ड भी कह रहा है किसी किसी का सोल पर्पज डिवोशन है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग साइन मिल गया डिवोशन के लिए, डिवोशन के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग साइन मिला। किसी किसी व्यूअर का डिवोशन ही सोल पर्पज है, उन्हें दूसरे लोगों को खुद भक्ति करनी है और दूसरों को भक्ति की राह पे ले जाना है। एक और कार्ड में देख रही हूँ, ये देखिए चैरियट आ गया, चेंजिंग बॉडीज, चेंजिंग बॉडीज यानी कुछ चेंज आने वाला है। चेंज आने वाला मीन्स अभी तक जो आप कर रहे थे अब आपको सोल पर्पज मिलेगा, तो आपकी लाइफ में चेंज तो आएगा ही, और वो जो चेंज लाएंगे, आपको पता है आप अवेकन हो चुके हैं तो वो चेंज ईश्वर ही लाते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण सारथी बन के बैठे हुए हैं, रथ चला रहे हैं और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। तो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, आप बहुत कामयाब होने वाले हैं, अपने सोल पर्पज पे आप वर्क करने वाले हैं, आपको सोल पर्पज मिलने वाला है। ये रीडिंग सोल पर्पज के लिए। और इस ये जो कार्ड आया है इसका मीनिंग भी यही है कि सोल पर्पज, भगवान कृष्ण धरती पे आए थे तो इनका सोल पर्पज क्या था? धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करने में अर्जुन जो भी पांडव थे उनका भी सोल पर्पज क्या था? कि ईश्वर की मदद करना, ईश्वर ने जो जो डिसाइड किया है उसी राह पे चलना, तो वो उनका सोल पर्पज था। तो ये कर्मयोग, मुझे किसी किसी व्यूअर का क्या सोल पर्पज, आपको कुछ भी मिले उसमें कर्मयोग करना ही है। कर्मयोग का मीनिंग ये है कि हमें पूरी शिद्दत से वर्क करना है और हमें ये सोचना है कि हम जिस ईश्वर की पूजा करते हैं ये उसका काम है, उसने हमें दिया है तो ये काम 100% अच्छा होना चाहिए, ये सोच के आपको वर्क करना है। ऐसा ये सोच के अगर आप वर्क करेंगे तो आप उस वर्क के रिजल्ट में फंसेंगे नहीं, उस वर्क के रिजल्ट से आप अटैच नहीं होंगे, उससे अटैच नहीं होंगे तो वो बंधन नहीं बनेगा। और जब बंधन नहीं बनता है, जब हमें रिजल्ट की चाहत नहीं होती है, तो फिर काम भी उस एनर्जी से नहीं होता। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप ये सोच के वर्क करें कि आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उसी ईश्वर ने आपको काम दिया है, तो उसकी नज़रों में आपका काम बिल्कुल गलत ना हो जाए। इसलिए मुझे शिद्दत से अपनी मेहनत ईमानदारी से करनी है, मुझे अपने काम में ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करनी है, उसके बाद ईश्वर की मर्जी, मुझे ईश्वर की खुशी के लिए काम करना है।
अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो काम भी अच्छा होगा, आपका सोल पर्पस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा और आप उसमें बंधेंगे भी नहीं, आप फिर से माया के बंधन में बंधेंगे नहीं। और रिजल्ट, ईश्वर तो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देते हैं। इसका मैं बॉटम ऑफ द डेक देख रही हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे ओवरकमिंग फियर। ओवरकमिंग फियर का मीनिंग है कि भगवान कृष्ण खड़े हो गए हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म पितामह को मारने पे खड़े हो गए थे, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी। इन्होंने ये कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन यहाँ इन्होंने अस्त्र उठाया। क्या उठाया इन्होंने? उस चैरियट का व्हील ही उठा लिया कि मैं इसी से मारूंगा। और भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की थी, तो भीष्म पितामह की यानी अपनी प्रतिज्ञा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह भी इन्हीं के भक्त थे, तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अस्त्र उठवा के रहूंगा, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी अपने भक्त का मान रखने के लिए। तो जो भी व्यूअर डिवोशन की राह पे जाना चाहते हैं, और मुझे डिवोशन की राह पे तो आप सभी हैं, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये आपकी डिवोशनल जर्नी ही है। और ये जो सोल पर्पज है, सोल पर्पज चाहे कुछ भी मिले, जो डिवाइन सोल होती हैं वो भक्ति से ही करती हैं, वो ये सोच के ही करती हैं कि ईश्वर का काम है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे दूसरों की वो मदद ही करती हैं। कोई भी सोल पर्पज हो, किसी भी तरीके का हो, उससे आप दूसरों की मदद ही करते हैं। तो ये आपको जो भी पर्पज मिलेगा वो डिवाइन टास्क है, ईश्वर आपको काम दे रहे हैं और आप उस पर शिद्दत से करेंगे, और आपके लिए, आपके काम को सिद्ध करने के लिए ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ देंगे। अगर उन्होंने कोई प्रतिज्ञा कर रखी होगी, उन्होंने कुछ, अगर आपके लिए उन्होंने कोई आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी होगी, तो उस स्क्रिप्ट में अगर आपके लिए कोई बाधा आ रही होगी, यहाँ आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना है कि मान लीजिए आपके प्रारब्ध में कुछ ऐसा हो कि आपको सोल पर्पज में कोई मुश्किल झेलनी हो, सोल पर्पज में कुछ नुकसान झेलना हो, तो यहाँ भगवान इस कार्ड में भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा फील आ रहा है कि भगवान आपके लिए, आपके सोल पर्पज के लिए उन प्रारब्धों को मिटा देंगे, उन प्रारब्धों को साइड कर देंगे जिनकी वजह से आपके सोल पर्पज में कोई प्रॉब्लम आनी होगी। भगवान वहाँ वो अपना नियम, हालांकि प्रकृति अपना नियम नहीं तोड़ती है, लेकिन भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके वो जो ऐसे भी जो भी ऐसे प्रारब्ध होंगे जो सोल पर्पज मिलने नहीं दे रहे या सोल पर्पज में कामयाब नहीं होने दे रहे, उनको ईश्वर मिटा देंगे। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ये रीडिंग लव की ओर बिल्कुल नहीं गई है, ये सोल पर्पज की ओर गई है। तो सोल पर्पज आपको मिलने वाला है, मिले तो आप शिद्दत से वर्क कीजिए, अपनी हॉबी पर वर्क कीजिए, ईश्वर से बातें कीजिए, ईश्वर से अपने दिल की बात कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, भला बुरा तो आप बुरा मन में थॉट आ रहे हैं तो वो भी कह दीजिए कि हे ईश्वर मेरे मन में इतने बुरे थॉट आ रहे हैं, मुझे इनसे बचा लीजिए। अपने ही थॉट्स के लिए कहिए कि हे ईश्वर मुझे इनसे बचा लीजिए, वो बचा लेंगे। आपको सोल पर्पज मिलने वाला है, आप उस पर कामयाब जरूर होंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।